में कह रहा है कि एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक पॉइंट की इंटेंसिटी क्या होगी जहां की फेज डिफरेंस है 60, 90 एंड 120। एज्यूम दैट इंटेंसिटी ऑफ ईच सोर्स इज आई नॉट। ईच सोर्स की जो इंटेंसिटी है वो है आई नॉट। ठीक, तो हमें इंटेंसिटी कहाँ की बतानी है जहां की फेज डिफरेंस हो 60, 90 एंड 120। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। कितना दे रखा है फेज डिफरेंस? 60। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आई नॉट इक्वल टू 4i, और यहाँ के हिसाब से आई नॉट दे रखा है, आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। तो कितना हो जाएगा? 4i0 इंटू कॉस स्क्वायर 5, कितना? 60/2, बोले तो 30। तो 4i0 कॉस 30 कितनी हो जाएगी? √3/2। √3/2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3i0। ठीक, ये आंसर आ गया पहले वाले का। अब देखो दूसरे वाले में फेज डिफरेंस कितना दे रखा है? दूसरे वाले में फेज डिफरेंस गिवन है हमें 90 डिग्री। ठीक, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ की इंटेंसिटी हम I2 मान लेते हैं, 4i0 कॉस स्क्वायर 90/2, 90/2 बोले तो 45, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, 4i0 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2i0। ठीक, ये हो गया I2। ठीक ना, जहाँ की फेज डिफरेंस 90 है वहां की इंटेंसिटी 2i0। थर्ड, जहां की फेज डिफरेंस 120 डिग्री है वहां की इंटेंसिटी I3 मान लेते हैं, I3 इक्वल टू 4i0 कॉस स्क्वायर 120/2, इसलिए कैंसिल 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो I3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4i0 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो I3 कितना आ जाएगा? I0। तो जहां की फेज डिफरेंस है 60 वहां की इंटेंसिटी 3i0, यहां की फेज डिफरेंस है 90 वहां की इंटेंसिटी 2i0, और जहां की फेज डिफरेंस है 120 वहां की इंटेंसिटी I0।